नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हो ज्ञानी बाबा जी के एक और नई वीडियो में, जिसमें अपन अनबॉक्स करेंगे बोया का M1 माइक। तो दोस्तों, बहुत ही स्पेशल माइक है, ये कॉलर माइक है बेसिकली, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपके लिए एक और मंगवाया है अनबॉक्स करने के लिए। तो दोस्तों, बहुत सिंपल माइक है, बहुत अच्छा माइक है। इसके मैं प्रोस एंड कॉन्स भी आपको बता देता हूँ। इसके जो नॉर्मल छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे अपन इस वीडियो के अंदर। और एक बार इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद अपन इसका एक वॉइस टेस्ट करेंगे कि मेरे जो कैमरे की वॉइस है, कैमरे के जो इनबिल्ट माइक से जो वॉइस आती है, और जो बोया के M1 माइक से वॉइस आती है, अपन दोनों को देखेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बता दूंगा मैं। बाकी दोस्तों, एक ऐसा माइक है जो मैक्सिमम यूट्यूबर्स रिकमेंड करते हैं, और इस माइक को स्पेशली ऐसा कहा जाता है कि ये बेस्ट फॉर यूट्यूबर्स, बेस्ट फॉर व्लॉगर्स हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि क्या ये माइक सही में बेस्ट फॉर यूट्यूबर्स है कि नहीं। तो दोस्तों, चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इस टाइप का पैकेज है बोया BY-M1 माइक का, जिसमें ये थोड़ा सा डैमेज हो चुका है अमेज़न की डिलीवरी के टाइम पे। तो दोस्तों, इसके पहले पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। आगे की तरफ एक माइक की पिक्चर मिल जाती है आपको, और उसके अलावा एक सील मिल जाता है, और ऊपर लिखा हुआ जाता है लेवलियर वगैरह। और पीछे की तरफ आपको प्राइसिंग इन्फो और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग मिल जाती है ना। और इसके कुछ फीचर्स पीछे लिखे हुए हैं। अब इसकी एक बार इसको बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं, उसके बाद इसको इसकी वॉइस टेस्ट करके दिखाऊंगा, और एक दूसरे माइक में और एक दूसरा माइक लेकर आया हूँ उसके लिए कंपैरिजन करके देखूंगा कि इसकी साउंड कैसी एक दूसरे माइक के मुकाबले आती है। तो ये दोस्तों कुछ इस टाइप से है, जिसमें अंदर अपने को एक पाउच देखने को मिल जाता है, और उसके अलावा एक यूज़र मैनुअल गाइड और एक नोटिस देखने को मिल जाता है। तो एक बार इनको रखते हैं अपन साइड में, उसके बाद पैकेज के अंदर के कंटेंट देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक माइक आ जाता है अपने पास, जिसमें सिलिकॉन जेल आ जाता है, इसको भी रखते हैं अपन साइड में। इसके अलावा एक अडेप्टर आ जाता है, देख सामने सामने अडेप्टर दिख रहा है, और उसके अलावा शायद इसकी बैटरी है और एक टाई क्लिप आएगी। ये बैटरी हो गई, ये इसका स्पंज आ गया जो अपने एयर लॉक करता है, उसके अलावा ये एक अडेप्टर आ गया, 3.5 mm जैक टू एम्पलीफायर जैक है ये, और उसके अलावा एक टाई क्लिप आ गई। टाई क्लिप दोस्तों, ये एल्यूमिनियम की, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी, बहुत अच्छी है। उसके अलावा एक ये बैटरी आ गई जो इसके लिए इसके अडेप्टर में लगेगी। तो दोस्तों, इसकी खास बात ये है कि ये बिल्कुल आप बहुत लंबी केबल है, 20 फिट की केबल है। तो मतलब आप इसको एक बार लगा कर कहीं भी एक दूरी तक घूम सकते हो, तो आपको ज़्यादा कॉर्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इधर उधर घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये जो इसका हैंडल है, जो मतलब इस टाइप का, इसका एक बैटरी केस कह लीजिए, इसका एक अडेप्टर कह लीजिए माइक का, तो दोस्तों ये एक मेटल का है, बहुत ही प्रीमियम मतलब बिल्ड क्वालिटी है। और उसके अलावा ये जो माइक है, ये भी मेटल का बिल्ड है। इसमें चाहें तो अपन इसमें ये स्पंज आगे लगा कर टाई क्लिप में लगा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो केबल 3.5 mm जैक है, ये अपने DSLR में लग जाएगी। और एक बार इसमें बैटरी लगा के आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन इसकी साउंड क्वालिटी कैमरे के माइक से और इसके माइक से डिफरेंस करके देखेंगे कि कैमरे के माइक में और इसके माइक में कितना डिफरेंस है। तो एक बार मैं इसकी बैटरी लगा लेता हूँ, और इसके बाद आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। उसके बाद जो अब मैं एक वीडियो पे चेंज करूँगा, उसका मतलब इस माइक की वीडियो आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ साउंड मेरे बोया के माइक से आ रही है। तो आप जो पुरानी ऑडियो सुन रहे थे, वो मेरे डायरेक्ट कैमरे के माइक से थी, और जो आप अभी मेरी साउंड सुन रहे हैं, वो मेरे बोया के M1 माइक से है। तो दोस्तों, आप इसके ऑडियो क्वालिटी में डिफरेंस कर सकते हैं, मेरे को भी लग रहा होगा, बट जब मैं एडिटिंग में देखूंगा तब मेरे को पता चलेगा कि इस ऑडियो में कितना डिफरेंस है। पर दोस्तों, आप इसकी ऑडियो क्वालिटी में फ़ील कर सकते हैं, शायद डिस्टर्बेंस नॉइज़, जो बैकग्राउंड नॉइस है, वॉइस की क्लैरिटी है, वॉइस की लाउडनेस है, वॉइस क्रिस्पियर है, ये सब आप चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। और मतलब कई लोग कहते हैं कि ये माइक जो ये कॉलर माइक है, ये बेस्ट फॉर यूट्यूबर्स, बेस्ट फॉर व्लॉगर्स हैं। दोस्तों, बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल ये बेस्ट फॉर यूट्यूबर्स है, क्योंकि आजकल यूट्यूबर्स को क्या होता है कि वो जहाँ पे भी शूट करते हैं, वहाँ बहुत नॉइज़ी होता है, जो एरिया होता है वो बहुत नॉइज़ी हो सकता है, या जिस घर में वो रहते हैं या जहाँ पे भी वो शूट करते हैं, वहाँ पे बैकग्राउंड नॉइसेस बहुत हो सकती है या एकोइंग हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो माइक है, ये एकोइंग और बैकग्राउंड नॉइसेस को
बिल्कुल जितना हद तक हो सकता है ज़ीरो कर देता है। ये एक कंडेंसर माइक है जिसके कारण जो आपकी वॉइस की क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और जो आपकी वॉइस की लाउडनेस है वो भी एक अच्छी लेवल पर आ जाती है। उसके अलावा जो आप रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो इस माइक के थ्रू वो एक क्लैरिटी के साथ रिकॉर्ड होती है। अनबॉक्सिंग थी और उसके बारे में एक रिव्यू था वो मैं बता चुका हूँ। इसके फीचर्स मैं बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आप कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और अगर आप उसमें सबसे ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रेफरेंस देते हैं तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट माइक है आपके लिए, क्योंकि आपको ये माइक अगर आप यूज़ करोगे तो आपके बैकग्राउंड की जो नॉइसेज है, अगर आपके बैकग्राउंड की नॉइसेज है, डिस्टर्बेंसेज है, वो इसको ये माइक उसको बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर ले जाएगा जितना इससे हो सकता है। दोस्तों एक कंडेंसर लेवलियर माइक है जो आपकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड नॉइसेस होती है उसको रिमूव कर देता है, जो आपकी ऑडियो होती है सिर्फ उसको फोकस करता है। तो दोस्तों जो आप मेरी ऑडियो सुन पा रहे हैं वो सेम सेटिंग्स पे है जो मेरे कैमरा की जो पहले सेटिंग थी उसके बेस जो इंटरनल माइक के लिए, वही सेटिंग मैंने बोया के माइक में कर रखी है ताकि आपको एक ऑडियो के बारे में कोई चेंजेस ना लगे कि मैंने कोई ऑडियो को चेंज किया है। तो दोस्तों सेम सेटिंग्स के साथ चल रहा है, तो आप इसकी लाउडनेस, एक इसकी जो मेरी ऑडियो के ऊपर फोकस है वो आप लग सकता है, आपको पता लग सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए तो इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू आपका इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, बेल आइकन दबा देना, कमेंट लाइक शेयर प्लीज़ ज़रूर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी नया चैनल है, अगर आप प्रमोट करोगे तो ऐसी नई वीडियोज़ मैं हर हफ्ते लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ इसका स्विच है जिसमें ये नीचे कैमरा स्केल है, जब आप DSLR में इसको प्लग इन करके रखे हुए हैं या आपने जब DSLR में इसको प्लग करा हुआ है तो आप इसको कैमरे मोड पे ला सकते हैं, और जब आपको अपने स्मार्टफोन यानी कि अपना जो नॉर्मल फ़ोन होता है, अगर आप फ़ोन से व्लॉगिंग करते हैं या कोई भी YouTube की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मैं अपने DSLR से करता हूँ, तो अगर आप किसी भी फ़ोन या फिर अपने स्मार्टफोन से व्लॉगिंग करते हैं तो दोस्तों आपको इसका स्विच इससे नीचे की तरफ लाना होगा। अगर अभी मैं करता हूँ तो आपके शायद ऑडियो में फ़र्क पड़ सकता है, तो इस चक्कर में मैं कर नहीं रहा हूँ। तो ये एक इस टाइप का रिमोट हो गया, और बैटरी के लिए दोस्तों ये यहाँ से ओपन हो जाता है और बैटरी अंदर एक बैटरी लगती है जिसकी एक बोया की तरफ से अप्रॉक्सीमेट ये रही वो बैटरी, जो बोया वन टाइम बैटरी एक बार इसके साथ देता है। और बोया का मानना है अगर आप दिन में एक घंटे अगर इस माइक को यूज़ करते हैं तो ये करीब करीब आपके 6 से 7 महीना चल सकता है। तो दोस्तों बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है, मैंने अभी तक टेस्ट करा नहीं है पर अभी मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि एक दो दिन के अंदर इसका कुछ होता नहीं है। जब भी इस माइक की बैटरी लो होगी, जब कोई ऑडियो के बारे में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि मेरी अब वीडियोज़ रेगुलर आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँगा तो आपके पास अपडेट सबसे पहले आएगा।